Next we have surface energy. Surface energy क्या होती है? किसी भी liquid surface के पास जो energy है per unit area, that is called surface energy. इसे calculate कैसे करते हैं? It can be calculated as work done in increasing area upon increase in area. What does it mean? कि अगर हम किसी liquid surface का area बढ़ाते हैं, उसे बढ़ाने के लिए जो काम करना पड़ेगा divided by increase in area is called surface energy. ये बड़ी confusion होती है. ये जो फार्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है, सॉरी फार्मूला नहीं, ये जो टर्म है सरफेस एनर्जी, देखने में लगता है ये एनर्जी है, बट इट इज एनर्जी या वर्क डन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया बिल्कुल नहीं भूलना. ओके, अब इट कैन बी प्रूव्ड दैट सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन. तो सभी क्वेश्चंस में, सभी न्यूमेरिकल्स में हम लोग यहाँ कहीं पे भी सरफेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे सरफेस टेंशन के इक्वल लिखकर सॉल्व करेंगे. अब इसके साथ रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो क्या है कि अगर हमारे पास एक ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर, इस ड्रॉप को हमने कई छोटे छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट अप कर दिया और हर एक छोटे ड्रॉप का रेडियस कितना था, स्मॉल आर. एंड लेट अस सपोज दैट नंबर ऑफ ड्रॉप्स आर स्मॉल एन, स्मॉल एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ड्रॉप्स. तो इस केस में क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से हमें वर्क डन करना पड़ेगा. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. And that work done can be calculated from this formula. Work done in increasing area upon increase in area था. मैं increase in area को इधर ले जाऊंगा. तो मेरे पास क्या बन जाएगा? Surface energy into increase in area. But surface energy is equal to surface tension. तो हम formula क्या लिखेंगे? Surface tension into increase in area. Increase in surface area. यहाँ पे भी लिख लेते हैं increase in सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? एन ड्रॉप्स का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस पहले ड्रॉप का, जो बड़े ड्रॉप का रेडियस सरफेस एरिया था, फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर. हो गया जी. तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में कभी एन को एलिमिनेट किया होता है, कभी स्मॉल आर को एलिमिनेट किया होता है. इनको आपस में रिलेट कैसे करना है वो देख लेंगे. जब एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ेंगे तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो निश्चय वॉल्यूम था 4/3 πr³ वही फाइनल वॉल्यूम होगा एन ड्रॉप्स का, यानी कि एन इंटू 4/3 πr³. और जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू एन रेज टू पावर 1/3 r आ जाएगा. यानी कि यहाँ से आप स्मॉल आर की वैल्यू न्यूमेरिकल की जरूरत के हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ओके, अब अगर यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की जाएं तो हमारे पास एक दो रिलेशंस हैं जो हमें डायरेक्ट यूज करने पड़ सकते हैं. 4πr σ (1/r) - 1/r, एंड दिस मे आल्सो बी रिटन एज 4πR²σ (n⁴ - 1/3 - 1). देखो बेटा, बेसिकली ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपको कभी नहीं भूलना. वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इसके अलावा ये दोनों रिजल्ट्स तो उसी से ड्राइव किए गए हैं, और ड्राइव करने के लिए एक ही टर्म, एक ही फार्मूला यूज किया गया है. स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन (n⁴) - 1/3, which is derived using volume conservation. अब एक और फार्मूला जो है अक्सर पूछा जाता है कि अगर इन ड्रॉप्स को
कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया जाए, यानी कि अगर प्रोसेस उल्टा हो जाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि इस बार सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दैट लिक्विड ड्रॉप, एंड इट इज गिवन बाय थ्री सिग्मा बाय जे इंटू वन बाय आर माइनस वन बाय कैपिटल आर। यहाँ पर सी लिखना रह गया, सी रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड, एंड जे रिप्रेजेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जे रिप्रेजेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ओके, अब स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स जनरली क्या दिए होंगे आपको? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये कैलोरीज में रहते हैं। जब कैलोरीज को आपको जाउल या अर्ग में कन्वर्ट करना है तब आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी। जे के लिए कन्वर्शन फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जाउल। तो ये कन्वर्शन फैक्टर आप अगर यूज कर लोगे तब आपको ये जे अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है बेटा एक ना गलती हो गई यहाँ पर, एक्चुअली इट शुड बी 4πr³। ये ना यहाँ पर मैं क्यूब लिखना भूल गया था, ये करेक्शन कर लो। नेक्स्ट वी हैव प्रेशर डिफरेंस। देखो बेटा, किसी भी लिक्विड मेनिस्कस के ऊपर और नीचे कुछ प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द मेनिस्कस। अगर लिक्विड का सरफेस बिल्कुल फ्लैट है तो सरफेस टेंशन ऐसे बाहर को लगेगी। तो इस केस में जो अंदर प्रेशर है लिक्विड के अंदर या लिक्विड के बाहर, पी इनसाइड या पी साइड आउटसाइड, इक्वल होगा। बट अगर लिक्विड का मेनिस्कस कनकेव या कन्वेक्स शेप में है तो प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। इस केस में सरफेस टेंशन इस लिक्विड को ऊपर को खींचने की कोशिश करेगी, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर को लगेगी, विच मीन्स दैट बाहर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट आपको याद रखना पड़ेगा पी आउटसाइड विल बी ग्रेटर देन पी इनसाइड। और इस केस में ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो आता है 2σ/r, वेयर आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ओके, अब अगर हमारे पास इस केस में मेनिस्कस की शेप कनकेव की जगह कन्वेक्स हो तो उस केस में अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इस तरफ लगेगी तो नेट फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ प्रेशर का ज़्यादा होना जरूरी है, पी आउटसाइड कम होगा एज़ कम्पेयर टू पी इनसाइड। तो इस केस में फार्मूला बनेगा पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड विच इज इक्वल टू 2σ/r। अब अगर इसी कंसेप्ट को जनरलाइज किया जाए तो मेरे पास अगर लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड ड्रॉप में भी ये जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो आएगा 2σ/r। अगर मेरे पास एयर बबल है, यानी कि अंदर की तरफ एयर है और बाहर की तरफ लिक्विड है, तो इस केस में भी ये ऊपर वाला फार्मूला ही, यही फार्मूला एप्लीकेबल रहेगा प्रेशर डिफरेंस का, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड विल बी 2σ/r। बट अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, सोप बबल है, सोप बबल में क्या होता है कि लिक्विड की यानी कि सोप सॉल्यूशन की एक पतली सी फिल्म रहती है अंदर भी और बाहर भी,
इन दोनों जगह पे क्या रहती है, एयर। दोनों जगह एयर रहने की जगह से वजह से इसके दो फेस सरफेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है वो डबल हो जाता है, 2 into 2 sigma by r, यानी कि 4 sigma by r हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एयर बबल इनसाइड वाटर। इनसाइड वाटर, मान लीजिए मेरे पास वाटर के अंदर एच टैप के ऊपर एक एयर बबल है। एट ए डेप्थ ऑफ एच वी हैव एयर बबल। बाहर से यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, लेट अस से दिस इज पी ओ। इस वर्टिकल कॉलम की वजह से प्रेशर कितना होगा, रो जी एच। अब इसके अंदर प्रेशर कितना होगा, हमने प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर डिफरेंस वाज 2 sigma by r। प्रेशर डिफरेंस विच इज बेसिकली इक्वल टू पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, तो अंदर की तरफ प्रेशर कितना आ जाएगा, पी आउटसाइड प्लस 2 sigma by r। यहाँ पर P आउटसाइड कितना हो जाएगा, यहाँ पे P एटमोसफियर को PATM लिख लेते हैं, तो आउटसाइड प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू एटमोसफेरिक एटमोसफियर प्लस रो जी एच प्लस 2 sigma by r। क्लियर जी। नेक्स्ट वी हैव सरफेस टेंशन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है जिसे कि किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर रखा गया है, एंड लेट अस से दैट इस वायर की लेंथ एल है। तो इस केस में क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है इसको दोनों साइडों से, इधर से भी और इस तरफ से भी, दो लाइंस बन जाएंगी, दोनों तरफ से वो नीचे को खींचेगी, यानी कि इफेक्टिव लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2L, यानी कि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितनी हो जाएगी, 2L इंटू सिग्मा। आपको याद होगा सरफेस टेंशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो रूट ऑफ फोर्स कितनी हो जाएगी, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, बट लेंथ यहाँ पर डबल आ जाएगी। डबल आने की वजह सबको क्लियर है कि एक तरफ इस तरफ कांटेक्ट में होगा लिक्विड और दूसरी तरफ यहां से भी लिक्विड कांटेक्ट में होगा। अगला केस, अगले केस में अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क हो, तो सर्कुलर डिस्क के केस में हमारे पास ये डिस्क है और ये किसी लिक्विड के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। इस केस में सरफेस टेंशन इस लिक्विड की वजह से लगने वाली सरफेस टेंशन इस डिस्क को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इस केस में इफेक्टिव लेंथ कितनी आएगी, सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू पाई आर, वे आर रिप्रेजेंट रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क। अगला केस, अगर हमारे पास एक एंगुलर रिंग हो, सॉरी एंगुलर डिस्क हो, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक होल है, अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस अलग अलग है। यहाँ पर ये सॉलिड सरफेस है और अंदर का रेडियस मान लीजिए ए है और बाहर का रेडियस मान लीजिए बी है, तो इस केस में सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स दो हिस्सों पे लगेगी, एक बाहर वाली रिंग पे भी लगेगी जिसे मैं यहाँ पर ब्लू लाइन से शो कर रहा हूँ, और दूसरी अंदर वाले सरफेस पे भी, अंदर वाले इस लाइन पर भी एक्ट करेगी जिसे मैं यहाँ पर ग्रीन लाइन से शो कर रहा हूँ। इसका मतलब जो इफेक्टिव लेंथ है वो इन दोनों की लेंथ का सम हो जाएगी, यानी कि इस केस में जो फोर्स लगेगी ड्यू टू सरफेस टेंशन वो होगी सिग्मा इंटू 2π इंटू ए प्लस बी। नाउ अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट लें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लेट लें, रेक्टेंगुलर प्लेट का मतलब क्या है कि